हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पापलेट मसाला करी। इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है, आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं पॉम्फ्रेट मसाला करी। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भरकर ज़ीरा लिया है। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च और 1 गार्ड लहसुन की, उसको छील कर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी फ्लेम पर भून लिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार में ऐड कर लेना है और इसको ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद पानी ऐड किया है और स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर एक बाउल में मैंने 2 चम्मच बिल्कुल भर कर 2 टेबलस्पून ये पेस्ट निकाल लिया है, और इसी में 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भर कर धनिया पाउडर, और इसके साथ नमक ऐड किया है। आप चाहें तो नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसका हम एक घोल बना लेते हैं ताकि ये मसाले तेल में जाकर जले नहीं। तो बस ये घोल तैयार हो गया है, साइड में रख देते हैं इसको। अब दूसरी तरफ मैंने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें एक छोटा सा प्याज लिया था मैंने और 2 मीडियम साइज़ का लाल टमाटर, बस उसको स्मूथ ग्राइंड कर लें। पानी ऐड नहीं किया था मैंने, ऐसे ही ग्राइंड कर लिया है। 1 पाव कप के आसपास गीला नारियल और 1 कप पानी ऐड किया है। जितना हो सके उसको स्मूथ ग्राइंड करके आपने साइड में रख देना है। अब यहाँ पर मैंने पापलेट मछली का इस्तेमाल किया। आप कोई दूसरी मछली भी ले सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी पाउडर और थोड़ा सा मैंने हल्दी ऐड किया। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके मिर्ची पाउडर ज़्यादा तेज़ है तो आप कम ऐड कर लें, क्योंकि हमने हरी मिर्ची लहसुन भी पीसा था तो उससे भी सालन तेज़ हो जाएगा। बस उसको 10 मिनट के लिए मैंने साइड में छोड़ दिया था, और फिर मैंने इसको तेज़ आंच पर पैन में ऐड कर दिया है। तेल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये क्रिस्पी भी रहती है और इसका टेस्ट भी सालन में बहुत अच्छा आता है, और ये टूटती भी नहीं है। बस 1 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद मैंने इसको पलट लिया है। दोनों तरफ से बस 1 ही मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया था। पूरा हमने कुक नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको सालन में भी कुक करना है। बस जब ये थोड़ी सी कुक हो जाए तो इसको निकाल लें। बस ध्यान रहे कि फ्लेम हाई ही रखें, और हाई फ्लेम पर अलट पलटते हुए इसको आपने 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है। बाहर निकाल कर इसको हम साइड में रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही तेल इस्तेमाल किया है। कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी। कुछ करी पत्ता ऐड करके कुछ देर के बाद फिर मैंने यहाँ पर वो मसाला ऐड कर लिया है, हरी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरा और सारे मसाले पाउडर का जो मैंने तैयार किया था। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसको आपने भून लेना है। बस 2 से 3 मिनट ही आप जैसे ही इसको भूनेंगे तो इसमें से ऑयल सेपरेट होता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो इसके अंदर प्याज और टमाटर की प्यूरी जो हमने बना ली थी वो ऐड कर लेनी है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे, जब तक टमाटर पूरा ड्राई नहीं हो जाता है, मसाला सूख नहीं जाता है और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाता है तो जो मैंने गीला नारियल ग्राइंड किया था 1 कप पानी के साथ, वो मैंने ऐड कर लिया है। बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बना ले नारियल का, मिक्स कर ले। ये अभी बहुत गाढ़ा लग रहा था मुझे, तो फिर कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी और ऐड किया है। आप इसको पतला भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा मीडियम रखा था कंसिस्टेंसी। नमक भी चख लें, अगर कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। बस अब जैसे ही उबाल आ जाए तो हमने जो फ़िश फ्राई की थी वो फ़िश मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। फ़िश को बस 3 से 4 मिनट हम कुक कर लेंगे। पापलेट वैसे जल्दी कुक हो जाती है क्योंकि इसके पीसेस बहुत बड़े भी नहीं होते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा इमली का पानी ऐड किया था। आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। बस 1 मिनट और उबाल लेंगे और गैस का फ्लेम आपने ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करके इसको साइड में रख दिया था मैंने। तो यहाँ देखिए तैयार हो गया है पापलेट मछली का सालन, मसालेदार और बहुत टेस्टी। आप इसको रोटी के साथ, भाकरी के साथ, फुलके के साथ सर्व कर सकते हैं। बॉयल्ड राइस के साथ ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आसान सी रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।